हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय वीडियो लेक्चर। तो बच्चों, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस। देखिए बच्चों, मोनो का मतलब होता है वन। तो बच्चों, इसमें हम लोग दो ऐसे ऑर्गेनिज्म के बीच में क्रॉस कराते हैं जो कि एक दूसरे से केवल एक ट्रेट में डिफर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं किसी टॉल प्लांट यानी कि कैपिटल टी को स्मॉल टी इसके साथ अगर मैं क्रॉस कराऊं तो इस क्रॉस को हम लोग कहेंगे मोनो हाइब्रिड क्रॉस। क्यों? क्योंकि बच्चों देखो, जो कैपिटल टी प्लांट है, ये स्मॉल टी ड्वार्फ प्लांट से केवल और केवल एक ट्रेट में, वन ट्रेट में डिफर कर रहा है। कौन सा ट्रेट है वो? वन ट्रेट है बच्चों, स्टेम हाइट। ये दोनों प्लांट एक दूसरे से बिल्कुल आइडेंटिकल है, एक्सेप्ट वन ट्रेट जो कि है स्टेम हाइट। कैपिटल टी जो है वो टॉल है और स्मॉल टी एक ड्वार्फ प्लांट है। सो इन दोनों के बीच में जो क्रॉस होता है उस क्रॉस को हम लोग कहेंगे मोनो हाइब्रिड क्रॉस। जब बच्चों हम लोग इस क्रॉस के स्टेप्स की बात करते हैं तो सबसे पहला स्टेप होता है गैमेट फॉर्मेशन। तो सबसे पहले हम लोग गैमेट बनाएंगे। बच्चों, गैमेट फॉर्मेशन आप लोगों ने पहले भी पढ़ रखा है कि गैमेट फॉर्मेशन के लिए सेल का डिवीज़न होता है। तो बच्चों बताइए, गैमेट फॉर्मेशन के लिए कौन सा सेल डिवीज़न होता है? माइटोसिस कि मियोसिस? तो बच्चों याद रखना आप लोग कि गैमेट जहाँ भी बनेगा वहाँ पर हमेशा और हमेशा मियोसिस होगा। तो बच्चों इस केस में भी गैमेट फॉर्मेशन के लिए मियोसिस होता है। तो बच्चों मियोसिस में क्या होगा कि दोनों के दोनों जो एलील्स हैं वो सेग्रीगेट हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे, इस केस में भी और इस केस में भी। मतलब कि बच्चों, हर एक गैमेट में एक ही टाइप का एलील होगा। तो कह सकते हैं हम लोग कि एक पेरेंट से कितने यहाँ पे बन रहे हैं गैमेट? दो गैमेट्स, टी से बन रहा है कैपिटल टी गैमेट और एक और कैपिटल टी गैमेट। वैसे ही ड्वार्फ जो टी प्लांट है उससे भी दो गैमेट बनेंगे, स्मॉल टी। इसके बाद जो सेकंड स्टेप है बच्चों, उसमें होता है जाइगोट फॉर्मेशन। बच्चों जाइगोट फॉर्मेशन आपने पहले भी पढ़ रखा है, जब दो गैमेट्स जो हैं वो फ्यूज़ करते हैं यानी कि फर्टिलाइजेशन जब होता है तो उससे जाइगोट बनता है। तो बच्चों यहाँ पर भी सेम वैसा ही होगा। देखो, अगर गैमेट दो होते, मान लो ये दोनों गैमेट होते, तो ये फ्यूज़ करते और जाइगोट बना लेते। पर बच्चों यहाँ पे क्योंकि चार गैमेट हैं तो सबसे पहले हम लोग इसकी पॉसिबिलिटी देखेंगे फ्यूज़न की। देखो, ये जो कैपिटल टी गैमेट है ये इस स्मॉल टी गैमेट से फ्यूज़ कर सकता है, ये कैपिटल टी गैमेट इस स्मॉल टी गैमेट से भी फ्यूज़ कर सकता है। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या है कि ये कैपिटल टी गैमेट स्मॉल टी के साथ फ्यूज़ करें, और फिर फोर्थ पॉसिबिलिटी है कि ये कैपिटल टी गैमेट इस स्मॉल टी गैमेट के साथ फ्यूज़ करें। तो बच्चों ये और ये जब फ्यूज़ करेंगे तो क्या बनेगा? कैपिटल टी स्मॉल टी। ये और ये फ्यूज़ करेंगे तो क्या बनेगा? कैपिटल टी स्मॉल टी। ये दोनों जब फ्यूज़ करेंगे तो क्या बनेगा? कैपिटल टी स्मॉल टी। और जब बच्चों ये और ये फ्यूज़ करेंगे तो भी बच्चों बनेगा कैपिटल टी स्मॉल टी। तो बच्चों फ्यूज़न के बाद ये सारे जो हैं पॉसिबल रिजल्ट होंगे। तो बच्चों बताओ कि ये कैपिटल टी स्मॉल टी ये सब क्या है? जीनोटाइप है कि फिनोटाइप? तो बच्चों ये सारे जो हैं ये है जीनोटाइप। और बच्चों जीनोटाइप में भी ये सब कैसे जीनोटाइप है? कैपिटल टी स्मॉल टी कैसा जीनोटाइप है? होमोजाइगस कि हेटरोजाइगस? तो बच्चों देखो, इसमें दोनों के दोनों जो एलील हैं वो डिफरेंट हैं, आइडेंटिकल नहीं है। सो ये एक हेटेरोजाइगस जीनोटाइप है। तो बच्चों ये तो बात हो गई जीनोटाइप की। अगर मैं पूछूं कि इसका फीनोटाइप क्या होगा, मतलब कि ये प्लांट देखने में कैसा होगा, टॉल होगा कि ड्वार्फ होगा? तो बच्चों अब आप लोग कॉन्सेप्ट लगाओगे डोमिनेंट ट्रेट एंड रेसेसिव ट्रेट का। देखिए, इसमें जो कैपिटल टी है वो स्मॉल टी के ऊपर डोमिनेट करेगा, इसको सप्रेस कर देगा,
और खुद एक्सप्रेस होगा। मतलब कि बच्चों इसका फिनोटाइप क्या होगा, ये बच्चों होगा टॉल। सो बच्चों यहाँ पे सारे के सारे जो प्लांट्स मिलेंगे वो टॉल मिलेंगे। ये तो बच्चों एक तरीका हो गया जिससे कि आप किसी भी क्रॉस का आउटकम क्या होगा ये फाइंड आउट कर सकते हो। अब बच्चों हम लोग एक न्यू मेथड पढ़ेंगे जिससे कि हम लोग किसी भी क्रॉस का क्या आउटकम होगा ये बड़े ही सिंपलेस्ट वे में फाइंड आउट करेंगे। उस न्यू मेथड का नाम है बच्चों पनेट स्क्वायर। बच्चों इस मेथड को सबसे पहले डिज़ाइन किया था रेजिनॉल्ड पनेट ने और इन्हीं के नाम पे इस मेथड का नाम पड़ गया पनेट स्क्वायर। तो बच्चों देखो इसमें टर्म आ रहा है स्क्वायर, तो इस मेथड में हम लोग क्या करेंगे कि स्क्वायर बना बना करके किसी भी क्रॉस का क्या आउटकम होगा इसको फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए इस क्रॉस का क्या आउटकम होगा हम लोग पनेट स्क्वायर की हेल्प से फाइंड आउट करते हैं। देखिए कैपिटल टी है और एक तरफ है स्मॉल टी। सबसे पहले तो हम लोग गैमेट बना लिए, इसके बाद बच्चों हम लोग क्या करते हैं कि स्क्वायर ड्रॉ करेंगे। ये हम लोगों ने बना लिया स्क्वायर। अब इस स्क्वायर में बच्चों टॉप पे और लेफ्ट साइड में हम लोग गैमेट्स लिखेंगे। इसको लिख लिया मैंने यहाँ पे और फिर इसको यहाँ पे लिख लिया। अब बच्चों इन दोनों को मिला करके हम लोग यहाँ लिख देंगे कैपिटल टी स्मॉल टी। इन दोनों को कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर इन दोनों को कैपिटल टी स्मॉल टी और फिर इन दोनों को कैपिटल टी स्मॉल टी। तो बच्चों आप लोग देख सकते हो कि F1 जनरेशन में हम लोग को क्या क्या मिला, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी। तो बच्चों आप लोगों ने देखा कि हम लोगों ने किस तरह से पनेट स्क्वायर का यूज़ करके कौन कौन से ऑफस्प्रिंग बनेंगे इसको इजीली फाइंड आउट कर लिया। तो बच्चों देखिए इस क्रॉस में इसका जीनोटाइप क्या होगा, जीनोटाइप है बच्चों कैपिटल टी स्मॉल टी, और फीनोटाइप क्या होगा इसको फाइंड आउट करते हैं। देखिए बच्चों फिर से वही वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे क्योंकि ये जीनोटाइप जो है वो हेटरोजाइगस जीनोटाइप है। सो डोमिनेंट और रेसेसिव ट्रेट वाले कॉन्सेप्ट को यूज़ करेंगे तो सारे के सारे हम लोग को कैसे प्लांट मिलेंगे, ऑल टॉल। तो बच्चों हम लोगों ने देखा कि जब हम लोग कैपिटल टी को स्मॉल टी के साथ क्रॉस कराते हैं तो F1 जनरेशन में हम लोग को सारे प्लांट जो हैं वो टॉल मिलते हैं। अब हम लोग F2 जनरेशन देख लेते हैं। तो बच्चों F2 जनरेशन के लिए क्या करना पड़ेगा, F2 जनरेशन के लिए बच्चों हम लोग जानते हैं कि जो F1 जनरेशन के ही प्रोजेनी है उन्हीं के बीच में अब सेल्फ पॉलिनेशन कराना होगा यानी कि सेल्फिंग कराना होगा। तो चलिए करा लेते हैं। कैपिटल टी स्मॉल टी क्रॉस्ड विद कैपिटल टी स्मॉल टी, ये है बच्चों सेल्फिंग। तो सबसे पहले हम लोग बनाएंगे गैमेट। इसके गैमेट कौन से बनेंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका भी कैपिटल टी स्मॉल टी। अब बच्चों हम लोग F2 जनरेशन के प्लांट्स को मतलब ऑफस्प्रिंग फाइंड आउट करने के लिए हम लोग बनाएंगे अब पनेट स्क्वायर। तो चलिए बना लेते हैं, ये हो जाएगा पनेट स्क्वायर जिसमें कि सबसे टॉप पे हम लोग लिखेंगे गैमेट्स और वही लेफ्ट साइड में भी गैमेट्स लिखेंगे। अब बनाते हैं हम लोग कैपिटल टी फ्यूज करके कैपिटल टी स्मॉल टी में लेके बनाएंगे कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी कैपिटल टी मिलके बनाएंगे स्मॉल टी कैपिटल टी और स्मॉल टी मिलकर के फ्यूज करके बनाएंगे स्मॉल टी। तो बच्चों ये हो गया F2 जेनरेशन। F2 जेनरेशन में हम लोग को ये मिलेगा। तो बच्चों देखिए अब हम लोग को दो चीज़ें फाइंड आउट करनी है, जीनोटिपिक रेशियो एंड फिनोटिपिक रेशियो। उसको हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए बच्चों हम लोग सबसे पहले निकालेंगे कि जो F2 जेनरेशन में कौन कौन से जीनोटाइप मिले हैं उनका क्या प्रपोर्शन है। देखिए जीनोटाइप हम लोग को मिला है पहला कैपिटल टी
नेक्स्ट जीनोटाइप क्या है? कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी कैपिटल टी, ये दोनों तो मिला के लिख लेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी। तीसरा जीनोटाइप है स्मॉल टी स्मॉल टी, तो हम लोग को F2 जेनरेशन में तीन जीनोटाइप मिले हैं जिनका प्रोपोर्शन फाइंड आउट करते हैं। देखिए कैपिटल टी कितने हैं, इन चारों में से एक है, सो इसका प्रोपोर्शन क्या हो जाएगा 1/4। कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी कैपिटल टी दो हैं इन चारों में से, सो इसका प्रोपोर्शन हो जाएगा 2/4। वैसे ही स्मॉल टी का इन चारों में से एक है, सो ये भी हो जाएगा 1/4। अब बच्चों ये तो हो गया प्रोपोर्शन की बात, कि चार में से एक जो है कैपिटल टी है, दो जो है स्मॉल टी है, और एक जो है वो है स्मॉल टी। अब बच्चों हम लोग जीनोटिपिक रेशियो फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले सबके प्रोपोर्शन लिख लेते हैं। ये हो जाएगा 1/4, ये हो जाएगा 2/4, और ये हो जाएगा 1/4। अगर हम लोग इन सब को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बच्चों हम लोग को मिल जाएगा जीनोटिपिक रेशियो 1:2, इसको करेंगे तो 2:1। मतलब कि बच्चों मोनोहाइब्रिड क्रॉस का जीनोटिपिक रेशियो हम लोग को क्या मिल गया, 1:2:1। अब बस एक चीज बची है, फिनोटिपिक रेशियो, उसको कैसे निकालेंगे। फिनोटिपिक रेशियो के लिए बच्चों आप लोग पनेट स्क्वायर में आ जाइए। देखिए कैपिटल टी का फिनोटाइप क्या होगा, इसका फिनोटाइप होगा बच्चों टॉल। कैपिटल टी स्मॉल टी का क्या होगा, ये भी आप लोग बता सकते हो। ये भी प्लांट डोमिनेंट ट्रेट की वजह से ये भी प्लांट हो जाएगा टॉल। ठीक इसी की तरह ये भी कैपिटल टी स्मॉल टी भी, ये भी प्लांट हो जाएगा टॉल। और स्मॉल टी इसमें तो कोई डोमिनेट करने वाला है ही नहीं, सो ये हो जाएगा ड्वार्फ। मतलब कि बच्चों चार प्लांट में से तीन जो प्लांट हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी कैपिटल टी, ये तीनों के तीनों टॉल हैं, और केवल एक प्लांट स्मॉल टी जो है वो ड्वार्फ है। मतलब कि फिनोटिपिक रेशियो क्या हो जाएगा बच्चों, 3:1। थ्री जो हो जाएंगे टॉल प्लांट हो जाएंगे, और वन जो हो जाएगा ड्वार्फ प्लांट हो जाएगा। तो बच्चों ये है मोनोहाइब्रिड क्रॉस। इफ दिस वीडियो लेक्चर इज़ हेल्पफुल फॉर यू, देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।